बारिश का मौसम, कड़कड़ाती आवाजें, बचपन की याद आ जाती है। उन बारिश के मौसम में भीगने दोस्तों के साथ, और जब वापस आते थे, मम्मी कुछ गर्मा गर्म बना कर देती थी, मजा आ जाता था। चलो दोस्तों, आज हम अपने बच्चों, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी रेसिपीज बाय संगीता श्रीवास। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज कुछ गर्मा गर्म बनाते हैं। इस मौसम में मैंने बेसन ले लिया है, अब उसमें कॉर्न डाला है मैंने। ये भुट्टा है स्वीट कॉर्न, मैंने दो भुट्टे का कॉर्न निकाल कर अच्छे से वॉश करके डाला। चॉप्ड कोरिएंडर, जितना मर्जी धनिया डाल सकते। कड़ी पत्ते को भी मैंने बारीक अच्छे से काट लिया है। हरी मिर्चियों को बारीक काट लिया है मैंने अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालेंगे हम उसमें। अब हल्दी डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। अब उसके साथ स्वाद अनुसार नमक, नमक तो अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और थोड़ा सा दही डाल दी मैंने। अब उसको अपने हाथों से मिक्स कर रही हो। आप लोग चाहे तो अपना स्पून यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हाथों से मिक्स किया हुआ जो स्वाद आता है ना, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। और देखिए, अभी तो मौसम ऐसा है, ऐसा लगता है कोई चाय की प्याली दे दे और गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाए, तो हमारा दिन, हमारी शाम बन जाती है। ये है स्पेशल लोनावला के स्पेशल पकोड़े, जो एकदम फॉग में कॉर्न पकोड़े मिलते हैं, मजा आ जाता है। उस तरीके से आज मैंने बनाया है मजेदार। ये देखिए, मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने स्पून नहीं लिया है, क्योंकि मुझे हाथों से मिक्स करना है, मजा आता है। क्योंकि जो हाथ का मजा है ना, वो चाहे कुछ भी बात करो, स्पून में हमारी मम्मी लोग हाथ से मिक्स कर कर कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल में उन छोटे छोटे पकौड़ों को तल कर हमें दिया करती थी, मजा आ जाता था। मैंने पानी थोड़ा उस हिसाब से डालते जाएंगे, अपने हिसाब से। कहते ना, बारिश, पकौड़ा और चाय, ये तीनों का रिश्ता तो कुछ अलग ही है। ये तीनों के अलावा कोई कोई मजा ही नहीं है। और साथ में हरी मिर्चियां हो जाए तो और मजा। मैंने उस बैटर में अभी गर्मा गर्म तेल डाल दिया, जिससे हमारे जो बड़े मस्त पकोड़े हैं सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से। मैंने तेल डाला है गर्म गर्म, इससे स्पून की हेल्प से उसको मिक्स करें, नहीं तो गर्म हाथ में जल जाएगा। अब हमारा कढ़ाई तो गर्म हो गया है, अब अपने हाथों से छोटे छोटे कॉर्न के पकोड़े उस गर्मा गर्म तेल में डालती जाऊंगी। वाह, एक एक कर कर जब डल रहा है तो उसका खुशबू भी अलग से आ रही है, मजेदार भुट्टे के पकोड़े। भुट्टा तो वैसे भी खाने में हमें स्वादिष्ट लगता है, और जब भुट्टे के पकोड़े मिल जाए तो क्या बात है। बारिश की जो बूंदे होती है ना, बारिश में बचपन वाली बारिश, ऐसे लगता है वो लौट आ जाए, जाकर भीगे, मजा आ जाए। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा लगता है कि कुछ तबीयत ना खराब हो जाए, मम्मियों को बहुत डर लगता है कुछ ना हो जाए। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं बच्चों को आराम से, फिर भी हमारे बच्चे मजेदार मजा करते थे, वो जरूरी है जिंदगी में। मैंने इसको अच्छे से तल लिया है, ये देखिए कितना सुंदर। अब मैंने हरी मिर्ची ले लिया है, क्योंकि हरी मिर्ची के बगैर तो पकौड़ा का मजा ही नहीं है। ये इसको अगर हम डायरेक्ट तेल में डाल देंगे तो पूरे तेल में वो फैल जाता है, इसलिए मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, उसके अंदर डालकर अच्छे से तेल में डिप कर रही हूँ, जिससे वो मस्त हमारा मिर्ची भी हो जा रहा और तेल भी बेकार नहीं हो रहा हमारा, जिससे मिर्ची हम दोबारा ही मस्त। और ये पकौड़ों में मिर्चिया और उसके ऊपर फ्राई हुए तली हुई कड़ी पत्ते की पत्तियां, खुशबूदार हमारा पकौन पकौड़ा विद मिर्ची और कड़ी पत्ता फ्राई, मजेदार हरी मिर्चियों के साथ गर्मा गर्म इस बारिश के मौसम में खाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलिए मत।
चाय पकोड़ा और बारिश द बेस्ट रिलेशनशिप एवर इन दिस वर्ल्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.